जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आज जुहेब और तुसी देख रहे हैं ग्रीन फो पाकिस्तान। किसान वीरो, अज आप गल करांगे अपनी गंदम अकबर बारे और इदियां खादा बारे, और आपां अज दूसरा पानी देन जा रहे हैं, और आप अज केड़ी केड़ी खाद देनी है, और आप अज इदियां खादा तकरीबन आप मुकम्मल कर देनी है। इस तों बाद आपां इहनूं कोई खाद नहीं देनी, अगर जरूरत पई तां थोड़ी बहुत इहदे विच गुंजाइश है। सो अगर आप इहदी गल करिए, ये कलर की इहदी उम्र की तकरीबन इहदी 45 दिन उम्र हो चुकी है, और अगर कलर वाइज आप देखा जाए इस गंदम नूं अकबर नूं, तो कलर माशाल्लाह लश ग्रीन है, और अपनी बढ़ोतरी जिहड़ी है वह बड़ी बेहतरीन कर रही है। और अगर इहदियां खादां बारे गल करिए, आपां इहनूं खाद जिहड़ी है एक बैग DAP और एक नाइट्रोफॉस एक यूरिया पहलां ही दे चुके हैं, और उस तो बाद आपां इस दफ़ा जिहड़ा पानी है उहदे विच 12.5 किलो पाउडर फॉर्म दे विच पोटाश प्लस सल्फर और एक बैग फी एकड़ यूरिया देना, और इस तरह अपनी जिहड़ी आ मतलूबा जिहड़ी खादां वा अपनी कणक दियां तकरीबन पूरियां हो जाणियां, क्योंकि जमीन माशाल्लाह जरखेज़ हैगी आ। होर किसे अजाए जिहड़े सगीरा वा, यानी जिंक या इदां दियां अजाए सगीरा वगैरह दी इहनूं जरूरत नहीं हैगी। और अगर आप देखिए अपने एक होर प्लाट हैगे आ, एक अपने किसान वीर दे जिहड़े अपने पड़ोसी आ, उन्होंने एक बैग DAP और 2 यूरिया इस टाइम तक दे चुके हैं। और उन्होंने गंदम की गल करिए, तो उन्होंने जिहड़े येलोनैस आ पिलाहट आ, वो आप इस वीडियो दे विच थोड़ा देख सकते हैं, उन्होंने सारे प्लाटों के आप नज़र आएगी, क्योंकि उन्होंने एक बैग ही सिर्फ DAP दिता, उस तो बाद उन्होंने DAP वो नहीं दिती, इस करके येलोनैस जी आप नज़र आ रही है। अगर आप दूसरे पास देखिए कंपैरिजन करिए, जिथे अपनी DAP की मकदार पूरी हो गई है वह, और जिथे थोड़ी जी घाटा वह, तो आप फर्क अपनी वीडियो दे साफ जाहर हो रहा, पता लग रहा। इस करके किसान दोस्तों, अच्छी जी पैदावार लैन लई सब तो पहला तो आप DAP की जी मतलूबा मकदार आ वो पूरी करने की कोशिश करनी है, और उस तो बाद दाने का साइज़ और वजन के इजाफे वास्ते आप पोटाश इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर अपनी जी DAP आ वो अगर पूरी होएगी तो अपनी जी पोटाश आ वो अपना सही काम करेगी, और गंदम की जी फी एकड़ पैदावार उहदे विच इजाफे का बास बनेगी। और अज आप जिहड़ा अपनी जी पोटाश आ उहदा इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अपनी जी गंदम की फी एकड़ पैदावार उहदे विच कुछ ना कुछ इजाफा हो जाए, और आप अपनी जी गंदम के खेतों तो अपना बेहतरीन जिहड़ा मुनाफा वा वह हासिल करने की कोशिश करिए। इंसान की सिर्फ किसान की सिर्फ कोशिश होंदी है, बाकी हवाले रब दे, आपां सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, और इस कोशिश के तहत आप जिहड़ा यूरिया और सल्फर प्लस जिहड़ा इहनूं पानी दे रहे हैं। अगर आप पोटाश की गल करिए, सल्फो के दे नाम तो 50% पोटाश और सल्फेट फार्म जिहड़ा हैगा सल्फर 18% दे विच 12.5 किलो फी एकड़, और ये एक बैग यूरिया आप फ्लड कर देना, ताकि अपनी जी गंदम की जी बढ़ोतरी आ और पोटाश जी अपना बेहतरीन जा कम करे, और दूसरिया खादा दे मतलब उन्होंने उस जड़ा की रसाई जी दूसरिया खादा की पोटाश जी आसान बनावे, और पौधा अपनी एक अच्छी जी ग्रोथ कर सके। तो किसान वीरो, वीडियो देखने का शुक्रिया।